न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के जुगलाई स्टेशन रोड मुख्य मार्ग पर स्थित अंडरब्रिज में बारिश के मौसम में लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने करते हैं। ऐसी स्थिति में ना ही रेलवे और ना ही टाटा स्टील और ना ही जुगलाई नगर परिषद को कुछ लेना देना है। स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है कि लोग दुर्घटना के शिकार तक हो जाते हैं। यह स्थिति केवल मानसून में ही नहीं बल्कि हर वर्ष बारिश के मौसम में यह उत्पन्न रहती है। स्थिति इतनी विकराल हो जाती है कि लोग जान जोखिम में डालकर अंडर ब्रिज को पार करने में मजबूर रहते हैं। ऐसी विकराल स्थिति से कई बार लोग दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। पर इस स्थिति से ना ही रेलवे को कुछ लेना देना है और ना ही टाटा स्टील और नगर परिषद जुगलाई को कुछ लेना देना है। जानकारी देते हुए राहगीर करण सिंह ने बताया कि जब से अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ है उस समय ही पानी की निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज स्थिति इतनी दर्दनाक हो गई कि लोग मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि जब जब बारिश होती है तब तब यही स्थिति बनी रहती है। आप देख सकते हैं ये जुगलाई का रेलवे अंडर ब्रिज है और बारिश के मौसम में अक्सर हल्की सी बारिश होने से पर भी यहाँ एक झील नुमा दृश्य नजर आता है, जिसमें आने जाने वाले राहगीरों को वो बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर फंस जाते हैं। आने जाने वाले राहगीरों को बहुत परेशानी होती है और यहाँ घंटों जाम की स्थिति आप देख सकते हैं लगी रहती है। इस मुद्दे को हमने यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा रेलवे के सहायक अभियंता प्रथम के कार्यालय पर जाकर उन्हें ज्ञापन के माध्यम सभी से बहुत बार अवगत कराया गया है, लेकिन ना वो रेलवे यहाँ सुनता है, ना किसको यहाँ देखती है, ना नगर परिषद यहाँ पर। किसकी गलती है ये, इसका कारण, इसके पीछे किसकी गलती लग रही है आपको? ये जब निर्माण हुआ था उसी समय यहाँ के जो इंजीनियर थे उनको सोचना चाहिए था। यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था मात्र एक नाला के एक तरफ से होता है जो कि बहुत ही कंजेस्टेड नाला है। अभी क्या परेशानी हो रही है लोगों को? अभी आने जाने में आप देख रहे हैं बड़े बड़े चार पहिया वाहन भी यहाँ फंस जाते हैं, स्टार्ट बंद हो जाता है, दो पहिया वाहन तो यहाँ पर डूब जाते हैं। लोगों को आने जाने में एकदम बाधा उत्पन्न हो जाती है और बहुत परेशानी होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरूप मल्लिक।